वर्ड कॉलेज का पहला फंक्शन जम के तैयारी कर रहा था। सबसे पहले ना सारी चीज़ें लेके आती हूँ बाहर से, उसके बाद दीदी ने मेरे साड़ी को प्रेस किया और मेरे सारे फ्रेंड्स ना मेरे ही रूम पे आके तैयार हो रहे थे और मैं अपना खुद का मेकअप कर रही थी क्योंकि कॉलेज का पहला फंक्शन, तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत सुंदर दिखना था और मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी कि मैं साड़ी में कैसी लगूंगी। साड़ी पहननी तो आती नहीं है, तो हमें तो दीदी और मेरी फ्रेंड ने ही मुझे हेल्प किया साड़ी पहनने में। उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड आ गई जो कि बहुत लेट थी, फिर उसका मेकअप भी मैंने जल्दी जल्दी किया। हम लेट तो नहीं थे पर हमें ना जल्दी कॉलेज जाना था क्योंकि फोटो वगैरह सब कुछ क्लिक करना था। हम फ्रेशर्स थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फर्स्ट सेलिब्रेशन के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है हमारे कॉलेज में। तो हम ना तुरंत निकल तैयार होकर जल्दी से निकल गए हम लोग ऑटो से, क्योंकि आज तो लोकल बस से अगर गए ना तो बाल भी खुले हुए पूरे बंदर बन जाएंगे। और लुक एट द व्यू, कॉलेज पहुँचते ही ऐसे अतरंगी लोग दिखे ना हमें कि मैं क्या ही बताऊँ। सी द सेलिब्रेशन इज गेट स्टार्टेड और हम ऑन टाइम ही हैं, बहुत ज़्यादा लेट हमें नहीं हुआ है, हम ऑन टाइम हैं। फिर जो पीछे का व्यू था ना वो देख के तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे तो लग रहा था कि बस मैं उस भीड़ में घुस जाऊँ और मैं भी बस डांस करने लगूँ, मज़े करने लगूँ के साथ। पर रुको थोड़ा वेट कर लो, देखा एक्साइटिंग वाइब है ना। अब यहाँ का रश देखो कितना ज्यादा है, पूरा बास्केटबॉल कोर्ट भरा हुआ है। कितना मज़ा किया मैंने, कितना डांस किया मैंने, सबको ना मेरे ही कॉलेज। अब मुझे बताना मैं सुंदर लग रही थी कि नहीं, कैसी लग रही हूँ मैं। और उसके बाद ना मेरे फ्रेंड्स ने ना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया बाहर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो देख के पता चल रहा होगा मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी है। और अब घर चलते हैं, बाय।